हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूवी। एंड एज यू नो कि हम लोगों के ऊपर बहुत सवार है इंग्लिश सीखने का, और हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जो 90 डेज स्पीकिंग चैलेंज है वो तो हम लोगों का चल ही रहा है, हम लोग उसमें लेसन प्लान वाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बट उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है, जो ऐसे सेंटेंसेस सीखने हैं जो डेली बेसिस में हमारे काम आते हैं। यानी कि राम श्याम गीता सीता को छोड़कर, मेन ट्रांसलेशन को छोड़कर, हमें कुछ ऐसे सेंटेंस भी याद करने चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस भी सीखने चाहिए जो कि हम लोग डेली बेसिस पे अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो इंग्लिश कैपेसिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जिनको हम एज इट इज़ याद करके, बहुत ईजी तरीके से याद करके अपनी इंग्लिश के इंप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्दी से सीख लेते हैं आज के सेंटेंसेस। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं आपको साथ साथ हिंदी बताती चलूँगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हिंदी सेंटेंसेस आप लोग लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, डेली लैंग्वेज में यूज़ करो, ये आपको याद हो जाएंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ बहुत इजी वाले हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा लेवल को रेज भी करेंगे। तो ये मान के चलिए मेरे पास आपको देने के लिए 3 से 4 हज़ार इस तरह के सेंटेंसेज हैं, पर उन सेंटेंसेस का फ़ायदा तभी है जब आप इनको अपने लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। तो मैं चाहूँ तो गाइज़ एक बड़ी सी वीडियो बनाकर आपको 3000 सेंटेंसेस एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ, पर आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने की वजह से हम लोग बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि छोटी छोटी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगी, जिसमें कुछ सेंटेंसेज एवरी डे मैं आपको दिया करूँगी, मीन्स जब भी वीडियो अपलोड करूँगी, एवरी लाइक मे बी के हर तीसरे दिन, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप लोग इनको आसानी से जो है सीख सकते हैं और लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 3000 सेंटेंसेस नोट करना, याद करना एक साथ, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एवरी डे करोगे, यानी कि एक दिन छोड़ के करोगे या हर दिन करोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोग ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो चलिए अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं आज के सेंटेंसेस। तो सबसे पहला है, डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी, यानी कि मुझसे झूठ मत बोलो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे जो आप लोगों को आते भी होंगे, तो जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते तो वो अपनी लैंग्वेज में प्लीज़ यूज़ कीजिए। तो डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, ओके। अगर आपको कहना है झूठ मत बोलो, तो डोंट टेल अ लाई भी आप बोल सकते हैं, या फिर डोंट लाई भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझसे झूठ बोलो तो डोंट लाई टू मी। अगर कहना है कि उससे झूठ मत बोलो तो डोंट लाई टू हर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाइक ऑब्जेक्ट, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब आता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड, इसका मतलब होता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट इज, डोंट एम्बेरेस मी, या फिर डोंट पुट मी टू शेम, यानी इन दोनों सेंटेंसेस का क्या मतलब है कि मुझे शर्मिंदा मत करो। बोलते हैं ना हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, बोलते हैं कि भाई मुझे प्लीज़ शर्मिंदा मत करो। तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, डोंट एम्बेरेस मी या फिर डोंट पुट मी टू शेम। नेक्स्ट इज, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, बहुत बार बोलते हैं कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, कहते हैं ना यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज, हिचकिचाओ मत, क्या है हिचकिचाओ मत, यानी कि डोंट हेजिटेट। नेक्स्ट इज, ज़ुबान संभाल कर, कहते हैं ना ज़ुबान संभाल कर बोलो या ज़ुबान संभाल कर बात करो, सो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, क्या मैं कारण जान सकता हूँ, तो मे आई नो द रीज़न, मे आई नो द रीज़न। नेक्स्ट इज, तुम इसके लिए ज़िम्मेदार हो, तुम इसके लिए ज़िम्मेदार हो, उसके लिए, उसके लिए है तो दैट लगाएंगे, इसके लिए है तो दिस लगाएंगे, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट इज, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न, कहते हैं ना मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ, या मैंने तो यूं ही पूछ लिया, मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ, तो आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। नेक्स्ट इज, क्या बकवास है या क्या बेहूदगी है, तो व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। नेक्स्ट इज, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। नेक्स्ट इज,
ज़्यादा भाव मत खाओ, ये तो बहुत ही होता है आजकल, ज़्यादा भाव मत खाओ। तो अगर किसी को आपको कहना है ज़्यादा भाव मत खाओ, तो आप कह सकते हैं डोंट एक्ट सो प्राइसली, डोंट एक्ट सो प्राइसली। नेक्स्ट इज इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट इस मामले को और ज़्यादा मत बढ़ाओ, इस मामले को और ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। नेक्स्ट इज घबराइए मत, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट इज इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, दैट्स वाई आई बीट हिम, दैट्स वाई आई बीट हिम। लड़के को पीटा तो हिम, लड़की को पीटा तो हर, ठीक है। मीन्स मेल और फीमेल का आपको अगर बात करनी है तो यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग, दैट्स वाई आई एम गोइंग। नेक्स्ट इज दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये बहुत हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, दोस्तों बात एक ही है। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। नेक्स्ट इज मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। नेक्स्ट इज क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई। नेक्स्ट वह नहा रहा है, तो ही इज टेकिंग अ बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ। आई एम गोइंग टू मार्केट, ये सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, मैं बाजार जा रही हूँ या मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज क्या बात है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। नेक्स्ट इज तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट इज तुम क्या सोच रहे हो, पूछते हैं ना हम लोग, तुम क्या सोच रहे हो, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। नेक्स्ट इज तुम क्या देख रहे हो, ये भी बहुत बार पूछते हैं कि तुम क्या देख रहे हो, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट इज ही इज़ नॉट रिलायबल, मतलब कहने का क्या मतलब है कि भाई वो भरोसा करने लायक नहीं है या मुझे उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है, तो ही इज़ नॉट रिलायबल। नेक्स्ट इज यू आर नॉट रिलायबल, तुम भरोसे के काबिल नहीं हो या मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ठीक है। मेरा इसमें क्या कसूर है या मेरी इसमें क्या गलती है, तो व्हाट इज माय फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माय फॉल्ट इन इट, व्हाट्स योर फॉल्ट इन इट। अगर आपको कहना है तुम्हारा, तुम्हारी क्या गलती है इसमें, तो आप योर लगा देंगे, व्हाट्स योर फॉल्ट इन इट। नेक्स्ट इज व्हाट इज हिज या फिर हर फॉल्ट इन इट, यानी कि लड़के मेल के लिए बोलना है हिज लगा देंगे और फीमेल के लिए बोलना है तो हर लगा देंगे। तो देखिए गाइस कितने इजी सेंटेंसेस हैं ये, और बहुत नॉर्मल भी हैं, इतनी नॉर्मल इंग्लिश है। तो इस तरह से आप इंग्लिश जो है मिनटों में सीख सकते हैं, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, अपने लैंग्वेज में यूज़ कर लीजिए। इस तरह से आप लोग जो है ईजीली इंग्लिश सीखते रहेंगे, और हम लोग क्या करेंगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, सो दैट आप लोग जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोल पाए, सीख पाए और अपने इंप्रेशन को, कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है अच्छा कर पाए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।